Let's go. Boy, oh boy, oh boy! We get to have breakfast in bed. Now we get to be on TV. It sure is super to be. कितने अच्छे फायदे हैं ना? चलो डॉलर जल्दी से उठ जाओ, दोस्त आ रहे हैं और आयरोना कभी भी हमारे कमरे को ठीक करने के लिए आती ही होगी। गुड मॉर्निंग रिची। गुड मॉर्निंग आयरोना। हाय रिची। हम हाँ, ये क्या है? मैं तुम्हें तीन क्लू देता हूँ। उसके चार पैर हैं, एक पूंछ है और वो सिर्फ सोने और खाने के बारे में ही सोचता है। मुझे पता है, स्कूबी डू। ये मूर्ख है डॉलर। मेरा मतलब ये डॉलर है मूर्ख। बिल्कुल, और अब देखो वो ये सुनकर कैसे अपने पलंग पर से उछलता है कि नाश्ते का वक्त हो गया है। नहीं डॉलर, सारे बटन एक साथ नहीं दबाते। जल्दी से सब छिप जाओ, डॉलर ने मेरे ऑटोमेटिक पलंग के हर बटन को शुरू कर दिया है। अरे वो देखो, वो आया हमारा ऑटोमेटिक नाश्ता। चलो प्रोफेसर तीन बीन के नए चोरों को रोकने वाले सुरक्षा प्रबंध के टीवी प्रयोग का वक्त हो गया है। चलो बोल्स जल्दी करो, हमें इस रोबोट मेट को ढूंढना है। अरे वाह, वो वहाँ है। मैं चमका तिजोरी चमचम, भूल कर दुनिया के गम गम। रैटलर, इस तिजोरी को तोड़ देते हैं और सारी सोने की ईंटें चुरा लेते हैं। चुप रहो, बॉस ने कहा है उस रोबोट मेट को अगवा करने के बाद हम हजारों तिजोरियाँ तोड़ सकेंगे। सुरक्षा यंत्रों पर पानी तो फेर दे। क्या तुम चोर रोकने वाले सुरक्षा प्रबंध के प्रयोग के लिए तैयार हो रिची? अब तो मुझे सिर्फ एक नकली चोर की जरूरत है। किसी को चोर बनने के लिए इतना उतावला होते हुए पहली बार देख रही हूँ। तो चलो डॉलर, अब मुझे अगवा करो। लगता है तुम्हारे चोर रोकने वाले सुरक्षा प्रबंध में गड़बड़ी है रिची। हमारे पास इसका भी साथ देने वाला सुरक्षा प्रबंध है। डॉलर एक बार फिर से करो। उसे पकड़ने के लिए मशीनी बिल्ली का इस्तेमाल करेंगे। तुम इस बिल्ली के साथ महफूज नहीं हो। किसी रोबोट को नाकाम करने के लिए पानी के छिड़काव से बेहतर कुछ नहीं। अरे नहीं, मुझे जंग लग रहा है। अब जल्दी करो, बॉस हमारे खुफिया अड्डे पर इसका इंतजार कर रहे हैं। वो तो नकली माली है और वो आयरोना को अगवा कर रहे हैं। चलो उनका पीछा करते हैं।
डॉलर से भरे पौधों की भूल भुलैया में हम उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। चलो हमें प्रोफेसर कीनबिन की मदद की जरूरत पड़ेगी। तुमने चाबी अंदर ही छोड़ दी क्या? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई हमारी गाड़ी चुरा ले। जल्दी करो, हम उनकी गाड़ी चुरा लेते हैं। और वो अगवा करने वाले गायब हो गए। बाबा अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं प्रोफेसर कीनबिन? मैं पानी में चलने वाले सुरक्षा अलार्म न बनाने के लिए मेरी लात मारने की मशीन से अपने आप को सजा दे रहा हूँ। जरा सुनिए मास्टर रिची, किसी ने आपके डैडी की गाड़ी चुरा ली है। वो रोबोट चोरों ने ही, हम आपकी चुराई गाड़ी को ढूंढने के यंत्र से उन्हें ढूंढ लेंगे। हाँ बढ़िया ख्याल है। अब मैंने उसे कहाँ रख दिया था, यही होना चाहिए। ये मिल गया मुझे। ये तो मेरा चलता फिरता टीवी है। टीवी तीन दिन का चुराया कार ढूंढने का यंत्र। मुझे तो पहले से मालूम था कि ये यही है। शुक्रिया प्रोफेसर कीनबिन, हम मेरे रिच मोबाइल में उनका पीछा करेंगे। आप तो जीनियस है बॉस, अब आप उस रोबोट मेड की पूरी नकल बनाएंगे और जल्द ही मेरी नकली आयरोना की सेना इस देश के हर तिजोरी को खोल देगी। हम करीब पहुंच रहे हैं, देखो उन्होंने अपने बुरे कामों के लिए आयरोना की हूबहू नकल बना ली है। अब हम असली आयरोना को कैसे ढूंढ पाएंगे? कीनबिन के एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से, समझे ना? वो वहाँ है सबसे ऊपरी मंजिल पर और उसमें जंग लग चुका है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? हमें अंदर घुसकर उसे बचाना होगा। बस पकड़े रहना और तुम जान जाओगे कैसे। और मैं ऐसे वाले तीन लूंगा। पर तुम जैसा एक बच्चा इन सारे बुलडोजर के $50,00,000 कहाँ से दे पाएगा? बोलो। रिच, आप उस जगह के मालिक हो, चाहे तो 10 बुलडोजर ले जाओ, जो चाहे वो ले जाओ आप। चलो डॉलर मेरे यारों के यार, अपना कमाल दिखाओ। बहुत अच्छे प्यारे दोस्त। चलो दोस्तों अपने अपने बुलडोजर में बैठ जाओ। आगे बढ़ो। बाबा रे, ये तो भूकंप है। गलत, ये भूकंप नहीं है। ये रिच कंप है। ना समझो, मेरी नकली आयरोना की सेना तुमसे निपटने के लिए तैयार है। लगता है हमारा हार मानने का वक्त आ गया। आपने गलत कहा मास्टर फ्रैकल, खाना खाने का वक्त हो गया। हम सलाद से शुरुआत करेंगे, आप उसमें क्या खाना चाहेंगे? प्याज और टमाटर, चीज और मक्खन या तेल और कद्दू? हाँ तेल, जवाब मिल गया। कोशिश भी नहीं करूंगा, चलो यहाँ से निकल चले। उनका पीछा करो। अब बारी आ गई है प्रोफेसर कीनबिन की उड़न छड़ी की और ये है रिच मोबाइल का रिमोट कंट्रोल। रुक जाओ। कमी नहीं, तुम हमें कभी नहीं पकड़ पाओगे। ये या या यो। हम हार मानते हैं करोड़पति बच्चा, हम जैसे नासमझ नादानों के लिए भारी हैं। ओ
क्या समझो, तुमने मेरी फलों की दुकान बर्बाद कर दी। लो मेरे पूरे हफ्ते का जेब खर्च ले लो, अब ठीक है। ये हजारों डॉलर मेरे हुए। तुम्हारा नया बिना गलती वाला सुरक्षा प्रबंध टेस्ट के लिए तैयार है रिची? तो तुम फिर से चोर बनना चाहोगे डॉलर? फिक्र मत करो डॉलर, मैं अगले हफ्ते के जेब खर्च से तुम्हारे लिए शहर का सबसे अच्छा वकील ले आऊंगा। नहीं, मैं शर्त लगाता हूँ इससे बढ़िया तो मेरे घर की आइसक्रीम होती है। अगर तुम कहते हो तो होगी रेजी। तीन मजेदार रिच आइसक्रीम आ रही है, एक ग्लोरिया के लिए, एक रेजी के लिए और एक डॉलर के लिए। शर्त लगाती हो तुम्हारे घर पर डॉगी की आइसक्रीम तो नहीं होती होगी ना रेजी? बाबा रे, तुम्हारे बैंक में तो करीबन 10 लाख डॉलर होंगे, क्या तुम्हें इनके चोरी हो जाने का डर नहीं रिची? बिल्कुल नहीं, हमारी सुरक्षा का प्रबंध अव्वल दर्जे का है, इस एस्टेट में चोरी तो हो ही नहीं सकती। ओ अच्छा, मैंने इन चोरों के ऐलान के बारे में पढ़ा है, हर एक में कोई ना कोई कमी होती ही है। मेरी बात सुनो रेजी बैंडो, अगर रिची कहता है उसके घर में चोर नहीं घुस सकते तो नहीं घुस सकते। हाँ हाँ हाँ, पर सिर्फ तब तक जब तक कोई चालाक चोर उसमें नहीं घुस जाता। बाय बाय दोस्तों, मैं अपनी अच्छी वाली आइसक्रीम खाने के लिए मेरे घर जा रहा हूँ। जल्दी ही पता चल जाएगा कि ये घर चोरों से कितना सुरक्षित है। प्रोफेसर कीन बीन के यंत्र मुझे रिची के सुरक्षा प्रबंधों को पार करने में मदद करेंगे। Swipe Richie's piggy bank, Joe. Bring it back tomorrow and show him up in front of Gloria. आकर मुझे पकड़ो चोर पकड़ने वालों। चलो जरा देखते हैं तुम कीन बीन की सेफ्टी वेव्स पार कर सकते हो या नहीं। ये क्या लगता है एस्टेट में कोई चोर घुसाया है? चलो तुम हमारे चोरों को पकड़ने वाले हाथों का कमाल देखो। बाबा रे, रेजी सही था, किसी चालाक चोर ने तुम्हारे सुरक्षा प्रबंध को तोड़ दिया। पर इतना चालाक नहीं कि हमारे भागते हुए चोरों को पकड़ने के प्रबंध से बच जाए। चलो उसे ढूंढते हैं। अरे नहीं, मेरी तो श्यामत आ गई। अरे रिची, तुम्हारे इससे तो हजारों मील चौड़ी है, हम उस चोर को कैसे ढूंढ पाएंगे? वो रहा वहाँ, उसका पीछा करो। वो रहा, वो मेरे फुटबॉल के मैदान की ओर जा रहा है। वो तो भाग रहा है, तुम उसे कैसे रोकोगे? उसे ये बताकर कि मैं फुटबॉल कैसे खेलता हूँ, वो भी अकेला मेरी रोबोट फुटबॉल टीम के साथ।
बचाओ बचाओ, ये ठीक नहीं है, एक के खिलाफ 11। हमने उसे पकड़ लिया, अब चलो उसे सबक सिखाएं। अरे नहीं भाई, डॉलर ने तो उसे भाग जाने दिया। जी, अब हम उसे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। इतनी जल्दी फैसला मत करो, हमें उसे सिर्फ ललचाकर मेरे बाथरूम तक ले जाना है। तुम्हारा बाथरूम? पर ऐसा क्यों? तुम जल्दी देखोगी कि ऐसा क्यों। वाह, इसे वो ना ललचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब सुनो दोस्तों, कोई सवाल मत पूछो, सिर्फ इन कपड़ों के पीछे छिपकर इंतजार करो। अरे वाह वाह वाह, इतना सारा पैसा मैंने कभी नहीं देखा। बचाओ, हमने पकड़ लिया। हमने उस अनोखे चालाक और शैतान चोर को पकड़ लिया। लेकिन ये अनोखा चालाक और शैतान चोर तो रेजी ही है। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ निकलेगा, इसलिए मैं हैरान नहीं हूँ। बचाओ बचाओ, मुझे माफ कर दो, बचाओ। तो क्या कहते हो रिची, इसे 5 साल की कैद, 10 साल की कैद या उम्र कैद? ओ, मुझे सोचने दो, मुझे लगता है शायद 20 मिनट की कैद से इसे उम्र भर का सबक मिल जाएगा। लो हम पहुंच गए डॉलर, ये जगह पिकनिक मनाने के लिए बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा क्या ख्याल है कैडबरी? बढ़िया चुनाव मास्टर रिची, मैं आपके बीच का सारा सामान सजा देता हूँ। लो हो गया मास्टर रिची, अच्छे से शावर और टीवी के साथ। ओ, मैं भूल ही गया, डॉलर का आराम घर। डॉलर, मैं जाकर कपड़े बदलता हूँ, तब तक तुम जाकर खेल क्यों नहीं लेते?
मुझे बताओ डॉलर ये क्या हो रहा है?